बढ़ेंगे आगे। उधर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ दौरे पर आएंगे। बता दें कि रामनाथ कोविंद एयरपोर्ट से सीधे राजभवन पहुंचेंगे, जहां वे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वे शाम को कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। रामनाथ कोविंद आज लखनऊ आएंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात उनका करने का कार्यक्रम रहने वाला है। लखनऊ आज आएंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उनके आगमन को लेकर। तो एयरपोर्ट से सीधे वो राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। तो ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये लखनऊ दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आनंदीबेन पटेल से वो मुलाकात करेंगे राजभवन में। आपको बता दें लखनऊ आएंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इस दौरान अगर उनके कोई कार्यक्रम रहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी फिलहाल जो कार्यक्रम यही है कि आनंदीबेन पटेल से वो मुलाकात करेंगे। तौकीर किदवई हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ आ रहे हैं, उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे 11 बजे बताया जा रहा है, उनका समय निर्धारित है। उसके बाद वो सीधा आनंदीबेन से मिलने उनके राज्यपाल वाले निवास पर पहुंचेंगे और वहां पर उनके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल उसके बाद वो कानपुर जाएंगे, क्योंकि कानपुर देहात में उनका पैतृक निवास है जहां के वो रहने वाले हैं। वहां पर कुछ समय बिताने के बाद माना जा रहा है कि देर शाम को वापस जाएंगे, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति अब दिल्ली में ही रहते हैं लंबे समय से और अपने पद से हटने के बाद से में एक आवाज दिया गया है और दिल्ली में ही वो रहते हैं। यानी कि जो आज का कार्यक्रम है वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और वो आनंदीबेन पटेल से भी मिलेंगे और उसके अलावा वो राजनीतिक चर्चा भी हो सकता है उनसे बैठकर करेंगे, क्योंकि कल ही 21 जून को जब योग दिवस था तो दिल्ली में वो योग करते नजर आए थे और वहां पर उन्होंने उपलब्धियां भी सरकार की गिनाई थी। तौकीर, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिलहाल यहाँ पर आ रहे हैं, उनको लेकर तैयारियां क्या कुछ कर ली गई है, कितने बजे तक कब वो लखनऊ पहुंच जाएंगे? देखिए, बताया जा रहा है 11 से 12 बजे के बीच में वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधा राज्यपाल के आवास पर पहुंचेंगे। और राजभवन पहुंचने से पहले जो सुरक्षा के इंतजाम है वो बहुत कड़े कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनका जो काफिला है वो बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद राजभवन पहुंचेगा। आनंदीबेन पटेल से भी करीब आधे से पौन घंटे वो बैठेंगे, वो उनसे बातचीत करेंगे, कुछ राजनीतिक चर्चा भी होगी। उसके बाद वो कानपुर देहात के लिए मूव करेंगे। इसको लेकर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। जिस तरह से उन क्षेत्रों में या हाईवे होने की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है उसको भी खत्म करने की कोशिश की गई। फिर वो वहाँ से कानपुर देहात में समय काफ़ी बिताएंगे, उसके बाद वो वापस दिल्ली जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उनको दिल्ली में ही आवास आवंटित हुआ है और वहीं पर वो रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो आज एक दिवसीय दौरे पर हैं और अपने पैतृक निवास भी जाएंगे जहां पर वो अपने लोगों से मिलेंगे और इसके बाद वो वापस दिल्ली जाएंगे। जी, बने रहिए तौकीर किदवई आप हमारे साथ। तो फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का लखनऊ दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है, उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें कार्यकारिणी सदस्य के लिए भाजपा पार्षद रानी हनौचिया और हरिचंद्र लोधी और साथ ही रंजीत सिंह कई प्रत्याशी शामिल हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद सुशील कुमार तिवारी पंपी को उपनेता, शिव कुमार यादव व गुड्डू को मुख्य सचेतक, राकेश मिश्रा को सचेतक और कोषाध्यक्ष पद के लिए राम नरेश रावत का नाम घोषित किया गया है। और तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ इस बीच बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, नगर निगम कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर फिलहाल बीजेपी की क्या तैयारी? देखिए, चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, आज ही नामांकन होगा और खास बात यह भी है कि आज ही इसका निर्णय भी आ जाएगा। संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है इस कार्यकारिणी के लिए, क्योंकि 80 पार्षद उनके सदन पहुंचे हैं और 21 पार्षद समाजवादी पार्टी के सदन में पहुंचे हैं। 12 सदस्य इस कार्यकारिणी में माना जा रहा है कि 10 पदों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और दो सदस्य ऐसे होंगे जो समाजवादी पार्टी के होंगे। कांग्रेस के पार्षदों की गिनती इतनी नहीं है, इसलिए वो किसी न किसी दल को समर्थन करेंगे। फिलहाल कार्यकारिणी के जो नाम घोषित हुए हैं इनका ही जीत जाना तय माना जा रहा है।
चार ऐसे जो पद हैं वहां पर जरूर थोड़ा कश्मकश की स्थिति होगी, क्योंकि वो किसके खाते में जाएंगे वो तय नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से जो संख्या बल है, मैंने आपको बताया कि 80 पार्षद करीब भारतीय भाजपा के हैं और 21 पार्षद समाजवादी पार्टी के हैं, टोटल 110 पार्षदों में संख्या इन दो दलों की है। ऐसे में स्थिति साफ है कि 10 पदों पर भारतीय जनता पार्टी लगभग निर्विरोध जीतेगी और इसके बाद दो जगह पर समाजवादी पार्टी भी निर्विरोध अपने सदस्यों को मैदान जीतने में सफलता हासिल होगी। कार्यकारिणी का चुनाव हो रहा है, सभी पार्षद और वहां पर जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं नगर निगम मुख्यालय पर, और सुषमा खरकवाल जो मेयर हैं यहाँ की महापौर हैं, उनके अध्यक्षता में पूरी चुनाव कार्यकारिणी को घोषित किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर इस तमाम जानकारी के लिए।